दादी की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। वेद प्रकाश जी या उनकी पत्नी दोनों आज हमारा गार्डन देखने आए हैं आजादपुर से, और हम अपना गार्डन इनको दिखाते हैं आगे का कि कैसे व्यू है। और जैसा कि हम अपने आने वाले को कोई भी आता है तो हम एक पौधा गिफ्ट देते हैं, इनको भी एक पौधा गिफ्ट देंगे। इधर मिर्ची, ये हरी मिर्ची के पौधे हैं, ये इधर कॉलियस, काली श्यामा तुलसी, हाँ जी ये श्यामा तुलसी है। और इधर हमारे बैंगन के पौधे हैं, ये देखो हमारे अभी कल परसों हमारे रिलेटिव आए थे तो वो बैंगन लेके गए थे, फिर भी एक दो बैंगन लगे हुए हैं। ये देखो बैंगन में फूल आया हुआ है, गुलाब के फूल की कलियां खिली हुई हैं छोटी छोटी। और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है आपके आने से, गर्मी हो रखी थी, कम से कम राहत मिली है। गर्मी से राहत है। ये सब स्टैंड मंगाए हुए हैं, हाँ ये सब स्टैंड इसलिए बनवाए थे कि पौधे रखे रहे, नीचे से सफाई वगैरह आराम से हो जाए। हाँ ये अनार का पौधा है, अभी फर्स्ट टाइम इसमें अनार के फूल और कलियाँ आई हैं, फल तक पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे या ये आके ही झड़ जाएंगे। ये हाँ वो सफ़ेद आँख का है जो पूजा वगैरह में काम में लेते हैं, वो सफ़ेद आँख का पौधा है। ये फूल खिले रहे हैं, ये एक 9 बजे का येलो कलर का ये फूल खिला हुआ है, गुलाब में छोटी छोटी कलियाँ आई हैं। इसमें हमने हल्दी बोई थी, ये हमारी हल्दी निकलने लगी है, इसमें हल्दी बोई थी हमने इन दोनों में। प्याज हाँ ये हल्दी है इसमें, ये अच्छा ये जो ऊपर पौधे आ गए ये हरे हरे पौधे जो आ गए ये हल्दी के हैं। अच्छा हाँ तो ये हल्दी के हैं। ये 9 बजे हमारे देखो गाजरी कलर के, ये धूप आती है ना 9 बजे तो फूल बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे अब ये मुरझाने लगे तो ये फूल भी छोटे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, शाम आते आते तक बंद हो जाते हैं। ये डबल पिंक है, ये हमारी लेमन ग्रास है, ये बैंगन, एक बैंगन तो लग ही रहा है ग्रीन कलर का, हमारे पास बैंगन कई कई वैरायटी के हैं। ये हरे रंग का ये देखो, ये हरे रंग के बैंगन है, उसमें उधर गोल बैंगन लगे हुए हैं। ये लेमन ग्रास, वो आपके पीछे भी गोल बैंगन लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ये देखो, हाँ ये वाइट भी है ये देखो, हाँ ये रहा ये वाइट है, छोटे 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 से बैंगन भी कई तरह के आग लगे हैं। हाँ कई वैरायटी हमारे यहाँ, गोल लंबे हरे सूचू ये लगे हुए हैं बैंगन, ये देखो ये सफेद सदाबहार है। ये इधर हमारे भिंडी भी लगी हुई है, ये देखो दिख रही है भिंडी, ये भिंडी टमाटर हम सुबह 2-3 तोड़ के लेके गए थे। और ये हमारा नारियल का पेड़ है, इसका ड्रम अब छोटा पड़ने लगा, इसको अब हम बदलेंगे। ये मर्जेंटा कलर का सदाबहार, ये हमारा जामनी कलर का, ये कौन सा, ये मर्जेंटा कलर का, हाँ ये मर्जेंटा कलर का, ये भी सदाबहार है। हाँ ऊपर ऑरेंज कलर का भी है हमारे पास, उधर सफेद कलर का है, ये वाला तो कॉमन कलर है, इधर हर जगह मिलता है, ये वाला तो कॉमन कलर है।
ये गुड़हल, गुड़हल भी हमारे पास दो तीन तरह की हैं, पिंक है, वाइट है, एक येलो है, अच्छा तीन चार कलर की है। ये सफ़ेद आग का पौधा, इसमें बीज झड़ गया होगा ना, ये सफ़ेद आग का पौधा। ये देखो इसमें खरबूजे के बीज गिर गए होंगे तो सारे खरबूजे के पौधे बन गए। हाँ ये पॉट बना दिए जिसमें कि छत पे हल्के रहें प्लास्टिक के। करी पत्ता, ये हमारे टिकोमा की बेल है, ये चलने लगी है। ये हमने शकरकंदी की बेल लगाई हुई है। ये हमारे चाइनीज ऑरेंज, इसमें तुलसा जी खड़ी हुई है। एलोवेरा, अब ये गुड़हल, मौसम बारिश का हो रखा है। गर्मी हो रखी है। ये हमने एप्पल बेर का पौधा लगाया है। एप्पल बेर जो मोटे, वो तो वो कमल है। हाँ ये एप्पल बेर जो मोटे मोटे एप्पल बेर लगेंगे ना, वो उसका है। उसमें से उस पौधे से कलम चढ़ाई होगी तो वो बार बार फूट जाता है। इस लाइन में हमारे गुलाब है, मोतिया है, सभी कलर के गुट, ये है बोगनविलिया। ये हमारी वाइट, ये भी रेड कलर की है, ये रेड कलर की गुड़हल है, ये येलो कलर की गुड़हल है। इसमें येलो कलर के फूल आएंगे। ये बड्स आ रखे ना, इसमें येलो कलर के आएंगे। ये वो जो पूजा में सम्मी का पौधा है, अगर आपको चाहिए तो ले जाना, हमारे पास है एक्स्ट्रा। ये बोगनविलिया वो गुच्छे में लगता है, वो भी डबल शेड का है। ये चंपा वाइट कलर की है और ये इधर वाली चंपा पिंक कलर की है, ये वाले पिंक कलर के। गुलाब के पौधे पिंक कलर के हैं। ये अपराजिता के पौधे जम गए हैं इसमें, अपराजिता के। ये फूल आते हैं पूजा में यूज करते हैं, इसमें ब्लू नीले नीले और वाइट दो रंग के फूल आते हैं। हमारे पास दोनों रंग की बेल है। ये लिली के पौधे हैं, इसमें अब फूल नहीं आ रहे। हाँ हमने ग्रीन प्याज उखाड़ उखाड़ के खूब सब्जी खाई है। ये हमारी हरी प्याज है। ये हमारे कोलियस के पौधे हैं कई तरह के, ये भी लगा हुआ है, गोल बैंगन के हैं। ये हमारी इलायची के पौधे हैं, हाँ हरी हरी वाली इलायची के। इलायची नहीं आएगी पर इसके पत्ते हम यूज करते हैं चाय में डालने के लिए। अभी हमने आपको चाय पिलाई थी तो ये हरी पत्ती, उसमें अगर इलायची की खुशबू आई होगी तो वो हरे पत्ते की थी। ये हमारा लहसुनिया की बेल है, इसमें लहसुन जैसी खुशबू आती है इसके पत्तों में, और इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं। वो हमारा हार सिंगार का पीछे पीछे जो पौधा खड़ा है वो हार सिंगार का है, जिसमें ऑरेंज कलर के वाइट डंडी वाले फूल आते हैं। ये रेन लिली के पौधे हैं हमारी। अच्छा पानी की टंकी टूट गई थी, हमने उसका भी बड़ा बड़ा गमला बना के यूज कर लिया। कई पौधे लग गए इसमें? हाँ इसमें कई पौधे लग गए। ये सब बीज डाल के लगाए या वैसे ही लगाए? कुछ पौधे बीज से हैं, कुछ ये एग्लोनियम के हैं। अच्छा। जैसे कई पौधे ऐसे ही होते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये जो हमारे कोलियस के जितने भी पौधे हैं, हाँ। ये एक डंडी लगाने से भी हो जाते हैं। अच्छा। एक डंडी तोड़ के लगाते हैं तो दूसरी जगह 7 दिन में पौधा बन जाता है उसका। अच्छा। उसमें जड़ आ जाती है। हाँ 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 तो ये पौधे बन जाते हैं इसमें। उधर हमारे पीछे ये रात की रानी का है,
ये नींबू का पौधा है, बहुत नींबू आए थे इसमें, अब तो नहीं है, अब तो सूख गए हैं। कई पौधे होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं कई। अच्छा। उससे ये अब हम ऊपर की बागवानी में लेके चलेंगे, यहाँ पर ऊपर है सब्जी की और उसकी। अब ये देखो एक इसमें फ्लावर पॉट में भी इसमें कितने सारे पौधे बन गए हैं। अब इसको कहाँ तक अलग करें हम? एक लगा दो तो कहीं निकल। अब इसमें कम से कम 10-12 पौधे हैं। किस चीज का? ये डेकोरेशन फ्लावर है और इस पर्पल कलर के वो स्नैक प्लांट। नहीं इसमें फूल नहीं आते, ये अपने आप में एक तरह से। हाँ हाँ लकी इस वाली फ्लोर पे लकी रहता है। सुबह शाम नहीं हो रही है, सुबह शाम दो बार तो चढ़ जाती हूँ। दो बार तो चढ़ना ही पड़ेगा, पानी वानी देना है। ये बैंगन का, ये है ना बैंगन का तो? हाँ ये बैंगन के है। ये सेम की बेल, ये वाली। हाँ ही सॉरी हाँ फूल हैं ककड़ी में। अभी बीच में 2 दिन भोगल में पानी नहीं आया था तो काफ़ी पौधों का लॉस हुआ है। अच्छा, क्योंकि तो समर लगवा रखा होगा ना? नहीं हमारे पास समर सीवल नहीं है, MCD का ही पानी है। अच्छा। तो काफ़ी लॉस हुआ था। फूल तो आए हैं अभी ककड़ी में और जैसी गर्मी आएगी तभी वो होगी। ये हमारी अंगूर की बेल है, काले अंगूर आए थे इसमें, अभी भी हो सकता कोई बचा हो गिलहरियों से। ये लो आप भी खाइए, आपके लिए भी कम से कम 2 अंगूर तो निकल ही गए। क्या 2 काले अंगूर लगेंगे है ना? हाँ ये काले अंगूर, अभी छोटा ही पौधा है ना, ये 1.5-2 साल की बेल है ये। ये देखो ये तोरी आई हुई है, ये देखो तोरी आई। तोरी हमने बहुत खा लिया, अब ये दोबारा तोरी बोएंगे। ये इधर मको लगी हुई है, ये करेले लगे हुए हैं। ये देखो मैं देख के चली गई पर मैंने ध्यान नहीं दिया, करेला भी लग रहा है। देखो वो लग रहे ना, वो इधर बड़े बड़े करेले लगे हुए हैं, ये लगे हुए देखो। हाँ, अब देखिए ये लगे करेले, ये छुपे हुए। हाँ। ये 2 दिन पानी नहीं आया था ना, उससे काफी मेरे पौधों का लॉस हुआ है। ये तो सही कह रहे हो, और धूप ज्यादा पड़ रही है, धूप ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना। हाँ। ये जो मको खाओ, लो डंडी हटा के ये लो। अरे बस, अरे खाओ तो सही, चखो मत परेशान करो बेचारे को। ओह अच्छी लगती है ये, हमारा गुन्नू बहुत खाता है इसे। हाँ ये अजवाइन का पौधा है जिसको आप देख रहे हो ना, इसमें देखो खुशबू आएगी अजवाइन की। ये लो और लो काली मको, ये अपने आप लग जाती है। हम ढूंढता डोलेगा कहाँ गए वो, बहुत लगे हैं, बहुत पौधे हैं। देखो वो पौधा भरा पड़ा है, भरा पड़ा वो पौधा। ये देखो ये काले काले मको कितने सारे लगे हुए हैं। सारे पके हुए हैं इस टाइम। सब्जी लगाने का तो घर का फायदा होता है ना फायदे फायदे, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपकी हेल्थ सही रहती है। वैसे तो आप एक्सरसाइज को एक दिन इग्नोर कर दोगे कि आज नहीं जा रहे, रहने दो, आलस आ रहा है, लेकिन इन पौधों के साथ जब लगाव हो जाता है ना तो आपका आलस खत्म हो जाता है। अरे नहीं देखना, मैं ये आरती को भेजती हूँ, किसी बच्चे को भेजती हूँ शाम का पानी लगाने के लिए। अच्छा। सुबह तो ज्योति पापा जाते हैं। हाँ। अब हमने भी घर बना लिया है ना। अच्छा बताया तो नहीं? अरे सच्ची अब बना लिया हमने। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, पांच मंजिल बना लिया बहुत, और भी अच्छी बात है। हम भी बनाएंगे पर अभी थोड़ा सा एक किराएदार फंसा हुआ बीच में, उसका करके
बस हम तो बना बनू लिया जितना बनाना था वो हमारे बस की क्या है। चलो जी वो मटर का सदा बार है ये भी बढ़िया है ना। देखो मको तो इसमें भी बहुत लगी हुई है, पूरा पेड़ भरा पड़ा है। खा लो, ये हमारे इसके ब्लैक टमाटो हैं। तुम ये कह के छोड़ जाओगे कि हमने वो रास्ता छोड़ दिया, तो ये तो गलत है। अब छुटे ही है, जब रास्ता ही छूट जाएगा तो इंसान तो आप ही छूट जाएगा। ये तो बात मानने की है भाई, ये गलत कहते हो। ये अलमांडा की बेल है, इसमें पीले इसमें पीला फूल आता है। आज तो नहीं खिला हुआ इसमें कोई भी। ये ऑरेंज कलर की वो है, ये किराएदानी है। ये देखो ऊपर से मेरी बागवानी कितनी सुंदर लगती है। नहीं अच्छी लगती है। ये मेरी मधुमालती में भी आज एक फूल का गुच्छा आया है। बड़े टाइम से इसमें खूब फूल नहीं आ रहा था, बड़े जा रही थी, बस लंबी लंबी हो जा। अभी तो बाल्टी भी लगी है, जहां मर्जी उठा के रख लो, जहां मर्जी रख लो उठा के। हाँ वही ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर वाला सदाबहार है इसकी वॉन्डरिंग जू की। अगर इसकी एक छोटी सी भी डंडी कहीं गिर जाती है ना तो ये ढेरों हो जाते हैं, वही हो जाएगी। ये देखो इधर, हाँ ये देखो उधर भी कितनी सारी हो रखी है। ये मल्ली प्लांट हाँ, ये हमने एक एक बोतल डब्बा ग्लास कटोरी खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम हमारे जान को है नहीं, तो कहीं तो टाइम रिटायरमेंट होने के बाद कुछ तो करना है ना। रिटायरमेंट तो हो गई भाई, यूँ तो जिंदगी से रिटायरमेंट नहीं हुई, वर्क से तो रिटायरमेंट हो गई ना, तो अपने आप को कहीं ना कहीं तो बिजी करना है। ये सब वही लगा रखा है, ये एलोवेरा लगा रखा है। ये बहुत एलोवेरा भी मैंने बांटा भी, बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है एलोवेरा। हाँ ये मेरे पिंक कलर के गुड़ैल है, वो व्हाइट कलर के हैं। ये देखो आप कह रहे थे ना गुड़ैल, ये व्हाइट कलर के गुड़ैल का फूल खिला है, ये पिंक कलर का है, ये इसमें कल इसमें पिंक कलर का फूल आएगा। ये मेरी अंगूर की बेल, और इसमें अब ये खाली कर दिया, वो बोए हुए थे। एक टंकी के नीचे लगा दिया ये हमारी दो टंकियां टूटी थी तो हमने चार पीस बना दिए उसके, दो टंकियों के काट के। ये पालक है, देखो ये पालक हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, फुई क्या बोलते हैं आप मार्केट में इसको, फुई बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बंगाली पालक, हम बोलते हैं बंगाली पालक। ये भी मिर्ची का पौधा है? नहीं ये मको का ही पौधा है, ये मको का ही है। अब मैं एक हफ्ते से करीब करीब ऊपर नहीं आ रही थी क्योंकि वो हमारी बहू है मोनिका जी, मोनिका सैनी, वही पानी दे रही थी। देखो पुदीना, ये पुदीना है। देखो मको तो आप कह रहे हो ना खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कितनी है पुदीना, कौन सी है? ये पुदीना है। पेन काट काट डब्बे काट काट सब लगाए, जो फालतू का तो काट लो, सब लगा दिया। वैसे तो बागवानी बहुत महंगा शौक है। हाँ हाँ ये तो सही बात है, पर हमने जो मिला उसी में अपना शौक पूरा करना था तो कर लिया कर लिया। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है मको, ये अपने आप उग जाती है। ये मरवा 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 इसकी चटनी भी बनती है, और 56 बीमारियों में अगर इसकी रोज चटनी बना के खाए, 56 बीमारियों से निजात दिलाती है ये।
यूट्यूब पे डाल के इसका आप सर्च करके देखना। एक बार ये बीज तो भेजा था हमारे घर उन्होंने। ये पौधे ही ले जाओ, देखो कितने सारे उगे हुए हैं मेरे पास मरवे के। ये उगे हुए, ये उगे, ये तो एक बार आपके घर में मरवे का पौधा चला जाएगा ना, तो ये बहुत बेशरम पौधा है। नहीं नहीं, इसको कहते हैं ये बेफिक्री, बेफिक्री बेशरम, कि अगर एक बार आपके गार्डन में चला जाएगा तो जाएगा नहीं। ये कनेर का लगा हुआ है लाल कलर का। आप गलत कह रहे हो, मैं एलोवेरा का सुबह डेली मैं एलोवेरा का जूस पीती हूँ, आंवला एलोवेरा का। एलोवेरा में जूस कहाँ, जूस वाले कहाँ जूस वो डालते हैं? नहीं, वो गुद्दा निकाल के छील के डंडिया करके वो बनाती हूँ। कड़वा नहीं है इसका, अपना कोई स्वाद नहीं है इसका, अपना कोई टेस्ट है, कड़वा नहीं है। आप ही अभी देखो, अभी मैं चक्कू लेके आपको काट के खा के दिखाती हूँ। इसको बाय के लिए भी बहुत बताते हैं, जो पहले बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे घी गुआर के लड्डू बना दो, जिसको बाय हो रखी होती है, बाय में भी बहुत काम आता है ये एलोवेरा। अगर ये एक पौधा अपने घर ले जाओगे तो आपके नाक में दम दे देगा। सच्ची में मैं एक पौधा लेके आई थी, अब कितने फ्लावर पॉट में, जहाँ देखो जहाँ एलोवेरा एलोवेरा। नहीं होगा, नहीं सही, पकड़ो तो सही, होगा नहीं ये। अरे पकड़ोगे तो भी, तो ये लो उठा लो ये मट्टी इस पे से थोड़ी सी। ये सफेद आग का पौधा, ये बहुत उड़ जाते जहाँ जहाँ इनका बीज गिरता है ना। एक बार हो जाए बस फिर नीचे होती है। हाँ क्या जंगली घास की, ये तो किसी भी गमले में लग जाती है। फूल खिलते हैं? हाँ खुलते हैं ना, ये पीले रंग के खिलेंगे। ले फूल का देना, ये पीले वाले का भी ले भाई, पीले वाले का लाल का ले। इसकी ये पीले वाले की लो, लाल वाले की भी ला दो। ये आपको ये लो ऑरेंज का, और ये लाल का। ये 9 बजे डाल लो, कई कलर के दे दिए। ये मरवे का ये पूरे दिए थे वो, ये तो कुर्सी है मरवे का, मरवे का। चले भाई जहाँ गिरेगा वहीं हो जाएगा, इस पौधे में भी यही खाते हैं। थोड़ी सी ये दे दूंगा आपको, ये बेल अभी तो इतनी भरी है। ये है, इसको बोलते हैं टर्टल वाइंड। ये उसमें डाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल देना ऊपर से, ये बहुत सुंदर हो जाएगी, लटकेगी। जैसे ये देखो मेरे इस वाले पौधे में लटक रही है ना ये ट्रैक्टर वाइन। हाँ। किसी भी पौधे को ऊपर टांग के लगाओगे, इस पौधे की खूबसूरती यही है कि एक डंडी भी इसकी कहीं तोड़ के डाल दोगे तो ये हो जाएगी। ये लो, बहुत तेरे को पड़ गया बताइए पानी कितना देने का पाती है। तो कोई बात नहीं, पानी तो देना है और तो क्या, खाली बैठ के काम तो करना है। कुछ नेचर के साथ नज़दीक रहेंगे दादी की गार्डनिंग में। आपको कैसा लगा दादी की गार्डनिंग में, आपका हार्दिक स्वागत। दादी की गार्डनिंग, बाकी जो भी देख रहे हैं उन्हें भी दादी की गार्डन कैसे लगे, अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कभी पौधों की ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में आसपास मेरे हों तो पौधे लेने अवश्य आएँ।